सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में 2000 किलोमीटर सड़कों पर होगी टायरिंग, अगस्त तक काम पूरा करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 2000 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग की जाएगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने टायरिंग का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। अगस्त तक सड़कों को दुरुस्त किया जाना है। सरकार ने टायरिंग करने के लिए टेंडर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर से लेकर अधिशांसी अभियंता टायरिंग के समय फील्ड में तैनात रहेंगे। टायरिंग में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यह तापमान टायरिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। उधर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि हिमाचल में सड़कों की टायरिंग शुरू कर दी है। 2000 किलोमीटर सड़कों पर टायरिंग की जानी है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में सड़क के किनारे डंगे ढह गए हैं उन्हें भी ठीक किया जाएगा। IPL मैचों की टिकट बिक्री शुरू होते ही आसमान पर हवाई किराया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले IPL मैचों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू होते ही दिल्ली धर्मशाला हवाई सफ़र का किराया आसमान पर पहुंच गया है। मैच से 25 दिन पहले ही दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर 14,000 रुपये तक का किराया दर्शाया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मैच आने तक इस रूट पर हवाई किराया 20,000 से 25,000 रुपये तक पहुंच सकता है। जानकारी के अनुसार HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 मई को किंग्स इलेवन पंजाब दिल्ली कैपिटल के साथ मैच खेलेगी। 19 मई को किंग्स इलेवन का मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। IT रिटर्न SMS से बैंक खाते में सेन। साइबर सेल शिमला ने नए ट्रोजन के खिलाफ जारी की एडवाइजरी। सावधान, IT रिटर्न के SMS आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। इस संदर्भ में CERT ने भी 27 बैंकों को प्रभावित करने वाले नए ट्रोजन के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को ट्रोजन मालवेयर का खतरा अब तक 27 बैंकों को निशाना बना चुके हैं। अगर आप एंड्रॉइड फ़ोन के जरिए नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। देश की संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एडवाइजरी भी भारतीय साइबर स्पेस में ट्रोजन मालवेयर की घुसपैठ की जानकारी देते हुए एंड्रॉइड फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को सतर्क किया है। बिंदल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारी, दूसरी बार बने प्रदेश अध्यक्ष। हिमाचल भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल को फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना कहीं न कहीं उनकी काबिलियत तय कर रहा है। इसी बूते भाजपा आगामी लोकसभा की तैयारियों में भी जुट गई है। इसमें पहले पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अगुवाई में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हार से सबक लेते हुए संगठन ने फिर बिंदल पर विश्वास जताया है। वहीं सुरेश कश्यप के नेतृत्व में भाजपा न केवल विधानसभा चुनाव हारी बल्कि इससे पहले उपचुनाव में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटें भी गंवाई। इस विधानसभा चुनाव में बिंदल को भी हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले वो नाहन विधानसभा क्षेत्र से 2 बार और सोलन से 3 बार लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। बिंदल का खुद चुनाव हारना भी कहीं ना कहीं भाजपा के अंदरूनी कलह का ही नतीजा था। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से संगठन और तत्कालीन सरकार में भी बिंदल को दरकिनार करके रखा गया। 1 NH का काम शुरू, 7 का इंतजार। कैथली घाट से शकराल के बीच 2.5 साल में होगा काम। हिमाचल में 1 और 4 लेन नेशनल हाईवे काम शुरू हो गया है। कालका शिमला NH पर कैंथली घाट से शकराल के बीच 2.5 साल में निर्माण पूरा करने का टारगेट तय किया गया है, लेकिन अभी भी 7 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जिन्हें 4 लेन में बदले जाने को लेकर फैसला लंबित है। इनमें से एक हिस्सा शकराल से ढली के बीच का ही है जो कालका शिमला नेशनल हाईवे का अंतिम प्रोजेक्ट है। इसे अभी तक 4S क्लियरेंस नहीं मिली है। शकराल से ढली तक करीब 11 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होना है और खास बात यह है कि इसमें एक बड़े पुल और संजोली बाजार के ठीक नीचे एक सुरंग का निर्माण भी प्रस्तावित है। वहीं यह सुरंग करीब 1 किलोमीटर लंबी होगी। पंजाब हरियाणा से हिमाचल आ रहा नशा, शिमला में तस्करी के 35% मामले दर्ज, 321 गिरफ्तारियाँ। शिमला पुलिस ने प्रदेश भर में दर्ज मामलों और गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले में शिमला पुलिस ने कार्रवाई में 35% से अधिक का योगदान दिया है। शिमला पुलिस की नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई कम हुई है। शिमला ने आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने के लिए NDPS अधिनियम की धारा 29 के तहत कार्य करने की योजना बनाई है।
जिससे शिमला शहर में नशे की खेप जो आसानी से मिलती थी उसकी उपलब्धता में अब भारी कमी आई है। शिमला पुलिस की ओर से गिरफ्तार कुछ नशा तस्कर बाहरी राज्यों से भी संबंध रखते हैं। शिमला पुलिस ने जनवरी माह से लेकर अब तक NDPS के 222 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 321 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विक्रमादित्य सिंह बोले, जल्द शुरू करेंगे ग्रामीण ओलंपियाड, 40,000 युवा जुड़ेंगे इसमें। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आगामी 2 या 3 महीनों में ग्रामीण ओलंपियाड शुरू किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 40,000 युवाओं को जोड़ा जाएगा तथा क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा। यह नशे के खिलाफ युवा सेवाएं व खेल विभाग की तरफ से एक प्रभावी कदम साबित होगा। कहा कि इससे प्रदेश की खेल प्रतिभाएँ भी उभर कर सामने आएंगी। वहीं राज्य स्तरीय रोडू मेले के समापन अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2800 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को 2400 करोड़ रुपये से दुरुस्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस पर कार्य किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके। इसमें से 170 करोड़ रुपये रोहडू क्षेत्र की ग्रामीण सड़कों पर चालू वित्त वर्ष में व्यय किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग में विभिन्न कार्यों को लेकर वित्तीय अनियमितताओं पर भी सख्ती बरतने की बात कही। उन्होंने हाटकोटी चिड़गांव सड़क को NH में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रोहडू क्षेत्र हर मौसम में राजधानी से जुड़ा रहे, इसके लिए खड़ा पत्थर में टनल बनाने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से हासिल की प्रदेश की सत्ता। प्रदेश सरकार पर बरसते नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने झूठी गारंटियों से प्रदेश की सत्ता हासिल की है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी, लेकिन अब हिमाचल की जनता पूछ रही है कि कांग्रेस की 10 गारंटियां कहां है। जयराम ठाकुर ने शिमला में नगर निगम शिमला के दृष्टि पत्र को जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी। पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन लागू करेंगे। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि दूसरी गारंटी हर महिला को 1500 रुपये हर महीने देंगे। तीसरी गारंटी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियों में 500,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत 400 रुपये में सिलेंडर, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड, मोबाइल क्लिनिक से मुफ्त इलाज, हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गाय भैंस पालकों से क्रमशः 80 रुपये एवं 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रतिदिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे और 2 रुपये किलो में गोबर की खरीद होगी। कहा कि अब शिमला वो हिमाचल पूछ रहा है कि कहाँ है ये कांग्रेस की गारंटियाँ। चंबा में फैला खसरा, सिल्ला घराट जडेरा में 20 बच्चे आए चपेट में। विधानसभा क्षेत्र चंबा के सिल्ला घराट और जडेरा में खसरा फैल गया है। अब तक इन दोनों इलाकों में 20 बच्चे रोग की चपेट में आ चुके हैं। संक्रमित बच्चों को दवाई देकर परिवार से 10 दिन के लिए अलग किया जा रहा है। इन बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों इलाकों को फ्लैगड एरिया घोषित कर दिया है और संक्रमित बच्चों की पहचान के लिए विभागीय टीमें घर घर जाकर निरीक्षण कर रही हैं। वहीं उनके उपचार को लेकर व्यवस्था भी की जा रही है। यह संक्रमण गुर्जर समुदाय के बच्चों में अधिक पाया गया है। इसका कारण बच्चों का समय पर टीकाकरण नहीं होना भी माना जा रहा है। यह संक्रमण बाहर से चंबा तो नहीं पहुंचा, इसको लेकर भी पड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त इसके लिए विभागीय टीमें संक्रमित बच्चों के यात्रा इतिहास का पता लगा रही हैं। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।